कैसे होती है और क्यों होती है और उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं। रेड ब्रश है, हमारे पास एक फ्रेश एप्पल है, एक नाइफ है और एक हमारे पास लेमन जूस है। तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे लेमन जूस। पहले हम इसे गर्म करें, लेमन जूस बहुत ज़्यादा। तो ये वाले को लेमन जूस बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है और हम इसको हम नहीं लगाएंगे। गाइस अब ये जब हमारा सारा काम पूरा हो चुका है, अब हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो गाइस अब हम इधर वेट करेंगे। तो गाइस ये सारा कुछ मैं इधर रख देता हूँ साइड में। तो गाइस अब ये वाले पर हमारे थोड़ा सा जो बड़ा है इस पर हमने लेमन जूस लगाया और ये वाला जो हमारा थोड़ा छोटा है इस पर हमने नहीं लगाया। ये हम बड़े वाले पर थोड़ा सा लगा देते हैं और लेमन जूस ज़्यादा होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। और तो गाइस अब हमें वेट करना पड़ेगा पर हम आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं। गो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अगर अभी से 2-3 मिनट हुआ है, ये अभी रोटन नहीं हो गया है। आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया। तो अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी पीछे वीडियो दिखाएंगे 2-3 मिनट की और आपको पता चल जाएगा। तो गाइस अब जैसा कि आप अभी हम 5 मिनट हुए होंगे, तो गाइस जिसके ऊपर हमने लेमन जूस लगाया हुआ वो अभी तक सही है, लेकिन जिसके ऊपर हमने नहीं लगाया हुआ वो अभी ब्राउन होना शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले एरिया ब्राउन है। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, अभी 20 मिनट्स हम और वेट करेंगे और हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। लेकिन जो ब्राउन वाला है जो हम जिस पर हमने नींबू नहीं लगाया था वो ब्राउन हो चुका पूरे तरीके से। तो गाइस अब मैं आपको इसलिए समझाऊंगी, जब एयर जो है एप्पल की सरफेस को टच करती है तो एक एंजाइम होता है जिससे ये वाली जो जगह ये ब्राउन हो जाती है पूरी एयर के लिए एयर के। और जब हम उसके ऊपर लेमन लगा देते हैं, जो एयर जो लेमन का एसिड होता है वो इस एंजाइम को रोक देता है और स्लो कर देता है रिएक्शन को। तो गाइस ये थी इसके पीछे ये साइंस, ये था केमिकल का यूज का पार्ट 4। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।